एक ओंकार सतनाम करता पुरख। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको आनंदपुर साहब के प्रसिद्ध गुरुद्वारा आनंदगढ़ साहब के दर्शन करवा रहे हैं। ये रास्ता गुरुद्वारा के अंदर बौली साहब को जाता है। कहा जाता है कि जब मुग़ल फौज ने गुरु गोविंद सिंह जी पे आनंदपुर साहब में हमला किया था, तब गुरु जी ने ये बौली बनाई थी ताकि उनकी फौज यहाँ से पानी ले सके, क्योंकि बाहर का सारा रास्ता बंद हो गया था। यहाँ पे लोग आते हैं और बौली साहब के दर्शन करते हैं। यहाँ पे नीचे पानी तक पहुँचने के लिए 132 पौड़ियाँ हैं। 132 पौड़ियाँ उतर कर पानी तक पहुँचते हैं, फिर लोग यहाँ पे दर्शन करके वापस 132 पौड़ियाँ चढ़ के जाते हैं। गुरुद्वारे के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पुराना किला है। किले के बाहर यहाँ पर किले का इतिहास भी लिखा हुआ है। किले के अंदर भी हर समय कीर्तन दरबार चला रहता है। लोग यहाँ माथा टेकने के लिए 24 घंटे पूरा साल चले रहते हैं। Thank you.